हाय एवरीवन, बच्चों पिछले एक साल से एक किताब मेरे आसपास घूम रही है। ये नंदिनी सेन गुप्ता की लिखी हुई एक किताब है जिसका नाम है रानी दुर्गावती द वॉरियर क्वीन। पिछले एक साल से मैं इस किताब को लेके घूम रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाया हूँ। बट व्हाट आई हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड इज कि रानी दुर्गावती जो सब्जेक्ट मैटर ही है अपने लिए जरूरी है। तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके ऊपर प्रश्न की संभावना इस समय बहुत ज्यादा प्रबल है। तो मैंने सोचा कि तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं। पहले तो ये समझ लो कि ये क्यों जरूरी है। व्हाई इज रानी पद्मावती और रानी दुर्गावती इज इंपॉर्टेंट ऑल ऑफ अ सडन। देखो, इसलिए क्योंकि 1524 में इनका जन्म हुआ था, 1524, विच इंप्लाइज कि इनके 500 साल पूरे होने वाले हैं। ठीक है, 500 साल इनके पूरे होने वाले हैं। तो शी विल बी सेलिब्रेटेड, आई एम श्योर शी विल बी सेलिब्रेटेड इन अ रीजन, डेफिनेटली। नॉट ओनली दैट, इन्होंने जिस तरह से अकबर के खिलाफ, मुगल सल्तनत के खिलाफ, द वे शी वॉज एबल टू स्टैंड अप राइट फॉर अ लोकल क्वीन राइट इज ऑल्सो समथिंग विच इज बींग वाइडली अप्रिशिएटेड। हम लोग अपने इतिहास के जिन पहलुओं को इस समय ज्यादा ध्यान से देख रहे हैं उनमें से एक पहलू ये है। ठीक है, तो आइए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ चीजें जान लेते हैं। और पहले जरा सा वो जियोग्राफिकल एरिया समझते हैं और इनके बारे में कुछ चीजें जानते हैं। ठीक है, तो देखो इनका जन्म, देखो सबसे कमाल की बात, दो तीन चीजें हैं, दो तीन देर आर मल्टीपल वेरिएबल्स व्हाई शी इज इंपॉर्टेंट, वो सब मैं एक एक करके समझाऊंगा। इनका जन्म जो है ना बेटे, वो महोबा के आसपास के रीजन में होता है। वो तुम्हारा समझ लो झांसी, उत्तर प्रदेश में जो झांसी का रीजन है उसके आसपास का ये रीजन है। ये रीजन हिस्टोरिकली इट हैज बीन वेरी वंडरफुल। यहां से तुम्हें बहुत बहादुर लोगों की कहानियां मिलती आती हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, झांसी की रानी, आल्हा, ऊदल, ये सारी जो मजेदार कहानियां हैं ये इसी इलाके की हैं। सो आई एम श्योर यू विल एग्री कि इसका एक अच्छा खासा इतिहास है वीरों का और वीरांगनाओं का। उन्हीं में से एक वीरांगना है जिनकी बात आज हम कर रहे हैं। तो ये रानी दुर्गावती जो थी बेटे, शी वॉज अ प्रिंसेस ऑफ दिस महोबा किंगडम, और इनकी शादी होती है एक गोंड किंगडम जो जबलपुर का एरिया है, मॉडर्न डे मध्य प्रदेश। यहां पर देखो ये मैप है, इसमें थोड़ा थोड़ा शायद तुम रफली समझ पाओ, ये जबलपुर का इलाका है। यहां पर एक गोंड किंगडम था जिसमें दलपत शाह नाम के राजा से इनका विवाह हो जाता है। याद रखिएगा, ये 1524 में पैदा हुई, जब ये 18 साल की थी तब इनकी शादी हो गई दलपत शाह से। ये एक गोंद राजा थे। अब बेटा पहला क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये गोंद राजा क्या हुए। तुम सबने एक वर्ड सुना होगा, अपनी किताबों में पढ़ा होगा, गोंदवाना राइट। ये गोंदवाना का एक और नाम है गोंद अरण्य या गोंद वन, विच मीन्स द फॉरेस्ट ऑफ द गोंड। हु आर द गोंड पीपल, हु आर गोंड्स? भारत में कई सारी ट्राइब्स हैं बच्चों, बहुत सारी ट्राइब्स हैं। सबसे बड़ी जो ट्राइब्स हमारे बीच में मौजूद है, देखो करीब 140 करोड़ हम लोग की इस समय जनसंख्या है। कुछ अगर बॉल पार्क फिगर समझना चाहो तो करीब 12 करोड़ हमारे बीच में ट्राइब्स हैं, आदिवासी। इनमें जो सबसे बड़े ग्रुप है वो है भील और गोंड। भील तुम्हारे अगर देखोगे तो वो वेस्टर्न रीजन्स में ज्यादा होते हैं, और जो गोंड है वो तुम्हारे सेंट्रल इंडिया में और ईस्टर्न इंडिया में ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये है तुम्हारे गोंड। नर्मदा से लेके गोदावरी तक का जो पूरा रीजन है, नर्मदा से समझ रहे हो ना, नर्मदा देखो ये यहां पे, यहां से नर्मदा बहती है और यहां गोदावरी है, ये इसके बीच का जो रीजन है ये पूरा गोंदवाना रीजन कहलाता है। और ऐतिहासिक तौर पे अगर आप देखेंगे तो ये चार किंगडम्स में बटा हुआ है। चार किंगडम्स यहां पे मेडिवल टाइम्स में पाए जाते हैं।
चार गोंद किंगडम, इनके गोंद राजा राजा हुआ करते थे, ठीक है। तो वो चार किंगडम कौन कौन से थे, एक बार हल्का सा नाम जान लेते हैं पहले। एक तो था खेरला, देवगढ़, राइट, खेरला, देवगढ़, चांदा, और जो सबसे महत्वपूर्ण था वो सबसे नॉर्थ में था, जबलपुर और मंडला रीजन, मंडल रीजन। ये जो तुम्हारा सतपुरा की पहाड़ियां है ना बेटे, सतपुरा और माइकाल रेंज की पहाड़ियां, अमरकंटक जहां से नर्मदा निकलती है, ये वाला जो पूरा इलाका है ये है नॉर्थ गोंडवाना। और यहां पे राज करते थे दलपत शाह और उनके परिवार वाले, जिस परिवार में वो राजपूत प्रिंसेस रानी दुर्गावती महोबा से शादी करके लाई हुई। यू फॉलो, समझ में आई बात ना। तो ये यहां झांसी महोबा के इलाके से शादी करके सतपुरा माइकाल के जबलपुर में पहुंच गए, ठीक है। और जब इनकी शादी हो गई बेटे, क्या कहते हैं इनसे दलपत शाह, राइट, ये गोंद राजा थे, 1550 में इनका डेथ हो गई। दलपत शाह की जो इनके हस्बैंड थे, रानी दुर्गावती की जो हस्बैंड थे, इनकी डेथ हो गई। इस समय इनका जो बेटा था वीर नारायण, उसका नाम बताया जाता है, he was just 5 years old, that means he was not mature, माइनॉरिटी में थे। तो उनको राजा बना दिया गया, लेकिन जो रीजेंट थे, यानी कि समझ लो जिसके पास असल पावर थी, वो किसके हाथ में आ गई, रानी दुर्गावती, शी बिकेम द क्वीन रीजेंट। एंड इन्होंने काफी अच्छे से अपना पूरा जो एक किंगडम था वो संभाला। इनके बारे में हमें काफी पॉजिटिव तारीफ सुनने को मिलती है इनके कॉन्टेम्प्रेरी से, इनके कॉन्टेम्प्रेरी से। कौन थे इनके कॉन्टेम्प्रेरी, अब समझो जरा। इस समय बेटा देखो, इस समय उत्तर भारत जो है ना, इसकी राजनीतिक स्थिति, द पॉलिटिकल सिचुएशन इन नॉर्थ इंडिया वॉज वेरी टर्ब्यूलेंट। कुछ क्लैरिटी नहीं हो रही थी कि दिल्ली की सल्तनत पे कौन बैठ रहा है या दिल्ली की गद्दी पे। तुम अगर याद करो तो 1526 में बाबर आए थे, 1530 में वो मर गए थे, और 1530 में हुमायूं बन गए थे राजा शहंशाह। बट 1540 में इनको शेरशाह सूरी ने, जो अफगान थे, हरा करके मजबूर कर दिया था कि ये भारत छोड़ के भागे। किया गया था कि नहीं किया गया, तो उस समय शेरशाह सूरी गद्दी पर बैठे। सूरी ने पूरा रीजन अपने कब्जे में किया नॉर्थ, मालवा भी देखो, ये जो रीजन है ना बेटे, ये मध्य प्रदेश में, ये मालवा कहलाता है, इधर का रीजन जहां पे इंदौर पड़ता है, ये एक तरह के नेबर हैं तुम्हारे गढ़ किंगडम के, जो रानी दुर्गावती का किंगडम था, ये एक तरह के नेबर है। तो अब समझो, अब स्टोरी में होता ये है कि इधर जो है क्या कहते हैं, वन सेकेंड, क्या बता रहे थे, हाँ भाई, तो अब जो है यहां पर होता कुछ ऐसा है कि 1540 से लेकर के 1555 तक सूरीज का रूल रहता है इंडिया। हुमायूं मैनेज टू कम्स बैक मच लेटर, वो तो 1555 में वापस आ पाते हैं। इस दौरान सूरी यहां पे रूल कर रहा है। तो जब सूरी यहां पे रूल कर रहे हैं तो होता कुछ ऐसा है बेटे कि शेरशाह सूरी का तो देहांत हो जाता, और उनके मरने के बाद मालवा, मालवा का जो एरिया है ये कंट्रोल में आ जाता है एक इंसान के, जिसका नाम बताया जाता है शुजा खान। शुजा खान बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन इनके बेटे जो हैं वो बहुत पॉपुलर है अपने आर्ट और कल्चर में, हमने बहुत उनका नाम सुना है, तुमने भी सुना होगा। उनको कहते हैं प्यार से बाज बहादुर। ये मालवा के शासक बन गए 1556 में, बाज बहादुर जो है बेटे ये बन गए मालवा के शासक। और ये बाज बहादुर जो है, इन्होंने रानी दुर्गावती पे, अब इस समय गढ़ किंगडम का जो ये वाला किंगडम था जो हम बता रहे थे, गोंद किंगडम,
गढ़, उसकी क्वीन रीजेंट थी रानी दुर्गावती। तो इनको लगा बाज बहादुर को कि दुर्गावती को हराना आसान होगा और इन्होंने इनके ऊपर आक्रमण किया। बट ही वॉज बैडली डिफीटेड, बाज बहादुर वॉज रिपल्स्ड एंड बैडली डिफीटेड। और उसके बाद से रानी दुर्गावती की प्रेस्टीज काफी बढ़ गई। ठीक है, अब इस समय तुमको मालूम है 1556 में अकबर बन गए भाई शासक, अकबर शासक बन गए और उन्होंने इस एरिया में जो अपना मुगल गवर्नर बनाया उसका नाम हम लोगों को बताया जा रहा है बेटे वन आसफ खान। ये जो है इस रीजन का, जो मालवा वालवा रीजन जब इन्होंने जीत लिया, बाज बहादुर को हरा दिया अकबर ने, और इस रीजन का गवर्नर बना दिया आसफ खान। एंड आसफ खान वॉज अपेरेंटली स्मिटन बाय रानी दुर्गावती एंड द वेल्थ ऑफ दिस गढ़ किंगडम। ये जो गढ़ नाम से किंगडम था इसके ये इसकी वेल्थ भी बड़ी अपेरेंटली काफी फेमस है। तो इसके पीछे आसफ खान ने अकबर को कन्विंस किया कि भाई आप मुझे 10,000 सोल्जर्स लेकर के यहां पर गढ़ के किंगडम पर इन्वेजन करने का परमिशन दीजिए। अकबर ने उनको ये परमिशन दे दी और 1564 में आसफ खान इन्वेडेड द मॉडर्न डे जबलपुर रीजन। और बहुत भारी सेना थी इनकी मुगलों की, और रानी दुर्गावती की जो सेना थी वो एक ट्राइबल सेना थी, बहुत सिंपल उनके इक्विपमेंट्स थे। इनके एडवाइजर्स ने इनको समझाया कि भाई हम लोग नहीं जीत सकते, नेगोशिएट कर लीजिए। बट शी वॉज वेरी एडमेंट, शी वॉज वेरी एडमेंट कि मुझे मौत मंजूर है बट गुलामी का जीवन मुझे नहीं चाहिए। एंड फाइनली ऑन 24th June, या 24th June 1564, ये बेटा लड़ाई के मैदान में जब इन्हें लग गया कि अब ये हार चुकी हैं, अब इनसे कुछ अभी जीत नहीं सकती, अब मुगल इनको अरेस्ट कर लेंगे जिंदा, शी चोज द अल्टीमेट सैक्रिफाइस, शी डिसाइडेड टू एंड हर लाइफ, और इन्होंने अपने आप को मार ली। इस दिन को हम लोग आज भी, जो 24 जून है ये, अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के इतिहास में, इस रीजन के इतिहास में महत्वपूर्ण है, और ये आज भी बलिदान दिवस के नाम से मनाया जाता है। राइट, तो आई होप मैं तुम लोगों को इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे पाया, और आई एम श्योर जल्दी ही फिर मिलेंगे। बाय।